गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कल के लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि जिस दिन मैंने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताया था तो उसकी डेबिट साइड मैंने टू बैंक भी लिखा था, टू ड्रॉइंग्स भी लिखा था। आज वही टॉपिक मैं आपको डिटेल में करवाने जा रहा हूँ। बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकल भी है। आज का लेक्चर आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, वर्ड बाय वर्ड, तभी आपको समझ आएगा। इस चैप्टर में बच्चों दो टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। पहला, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो थ्योरेटिकली मैं आपको करवा चुका हूँ, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। और दूसरा एक बढ़िया टॉपिक इसमें ये है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। मीनिंग बता रहा हूं आपको, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यहां भी ड्रॉइंग्स है, यहां भी ड्रॉइंग्स है। इट मींस पार्टनर यहां भी विड्रॉ कर रहा है, पार्टनर यहां भी विड्रॉ कर रहा है, तो फर्क इस चीज का। Drawings against capital means withdrawal by a partner out of his capital. Withdrawal by a partner out of his capital. Capital में से अगर उसने withdraw कर लिया, ठीक है, लेकिन ये जो drawings against profit है इसका meaning अलग है। इसका मतलब है withdrawal by a partner against his expected share of profit. Withdrawal by a partner against his expected share of profit. बच्चों, firm profit कमाती है, partners में divide होता है, और divide कब होता है? At the end of the year. चलो अभी example की help से मैं बताता हूँ आपको। Partner A, partner B, दो partner है। A की जो capital है suppose 1 lakh at the beginning of the year. Yes, 1 lakh. आगे लिखा है this is 1st April 2017. आगे लिखा है कि he withdrew rupees 20,000 out of his capital on 1st July. He withdrew rupees 20,000 out of his capital on 1st July 2017. This is drawings against capital. क्लियर लिखा है कि कैपिटल में से निकाले हैं। अगर क्लियर लिखा है तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होएगा? 1st जुलाई को उसने विड्रॉ किए, मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं उससे आपको क्लियर होएगा। विड्रॉ किए तो नेचुरली क्रेडिट हम किसे करेंगे? किसे करेंगे? बैंक अकाउंट। यस, पैसे निकाले तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हाउ मच? 20,000। ठीक है बच्चों, अब सोचो कि डेबिट किसे करें? कैपिटल में से विड्रॉ किया है, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, वेरी सिंपल। और कैपिटल जब रिड्यूस होएगी तो हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। मैं डेबिट कर रहा हूं इज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद रूपीज 20,000। ये है बच्चों ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। आपने कैपिटल अकाउंट को उठा के डेबिट कर देना। थोड़ा और मैं क्लियर कर रहा हूं। मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा है, क्या लिखा है कि कैपिटल्स पे इंटरेस्ट देना है, और कितना देना है? 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त इसको कंसीडर करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल कितनी थी? 1 lakh। लेकिन 1st जुलाई को इसने विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ करते ही उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। तो 1 lakh जो ओपनिंग कैपिटल थी उस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। बच्चों ध्यान से सुनो एक एक वर्ड, 1 lakh पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे केवल 3 महीने का, अप्रैल, मई और जून। तो 1 lakh पे 10% 10,000 और 3 months का बनता है 2,500। ओके, अब 1st जुलाई को क्या स्टेटस है? उसने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करते ही उसकी कैपिटल तो रिड्यूस हो गई। अब कैपिटल का बैलेंस कितना रह गया? 80,000। अब अगले 9 महीने का जो इंटरेस्ट हमने देना है जुलाई से लेके मार्च तक, वो हम देंगे 80,000 पे।
ऑब्वियस है, 20 विड्रॉ कर चुका है, तो 80,000 पर 10% और 9 मंथ्स का ये कैलकुलेट करके बनता है 6,000, तो उसका जो टोटल इंटरेस्ट और कैपिटल है वो कितना हो गया 8,500। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, मीनिंग मैंने आपको इसका बताया कि विड्रॉल बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे 31 मार्च को मिलना था उसके अगेंस्ट वो पहले ही विड्रॉ कर रहा है। मान लो मुझे पैसे की जरूरत है पर्सनल पर्पस के लिए, 5,000 चाहिए, 4,000 चाहिए, लेकिन मैं कैपिटल में से निकाल रहा हूं, मैं फर्म को कहता हूं कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरे को मिलना है उसमें से थोड़ा मेरे को अभी दे दूं, तो दिस इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इस केस में कैसे होगा, एग्जाम्पल की हेल्प से बता रहा हूं। पार्टनर बी, सपोज इसकी कैपिटल है 80,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2017। बच्चों स्पेस कम है, इसको थोड़ा मैं रब कर रहा हूं, आप ध्यान रखना। अब आगे है क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ना है तभी क्लियर होएगा कि वेदर इट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन में लिखा है कि 1 जुलाई को बी विड्रू ₹2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, बी विड्रू ₹2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, 2000 उसने निकाली है, कहीं पर नहीं लिखा कि कैपिटल में से निकाले। बच्चों इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ड्रॉइंग्स विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, 1 जुलाई को विड्रू की है तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होएगा, नो डाउट। डेबिट किसे करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करना क्योंकि उसने कैपिटल में से निकाले, निकाली है अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल को नहीं छेड़ रहा। डेबिट किसे करें, सिंपल जैसे आप प्लस वन में करते थे, ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो यहां पे बच्चों में डेबिट कर रहा हूं बीज ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्लियर, 2000, ये डिफरेंस है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का मैंने बता दिया डिफर है, इसमें अलग तरीके से करते हैं, इसमें अलग तरीके से, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात भी कर लेते हैं, बी की इनिशियल कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी थी 80,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है 10% पर एनम, तो कैलकुलेट करो बच्चों बी की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त इसे कंसीडर करें या ना करें, बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट को तो डिस्टर्ब ही नहीं किया, उसकी कैपिटल का बैलेंस 80,000 था तो 80,000 ही चल रहा है थ्रू आउट द ईयर, हमने कैपिटल अकाउंट को नहीं डिस्टर्ब किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लगाएंगे पूरे 80,000 पर लगाएंगे और 80,000 पे 10% कितना हो गया 8,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा बच्चों 8,000। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाला था थोड़ी देर पहले, वो था 8,500। अब अगली बात है, जो ड्रॉइंग्स अकाउंट मैंने ओपन कर दिया, इसका व्हाट नेक्स्ट क्या होएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2018 ये ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू बीज ड्रॉइंग्स अकाउंट, हाउ मच 2000। बच्चा थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है, हो गया क्लोज। डेबिट किसे करें बच्चों, एट द एंड ऑफ द ईयर बी को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो मिल ही जाएगा और मिलने का मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फिर आपने सोचना है कि 2000 तो पहले निकाल चुका है और हमने उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी सारा दे दिया, तो अगर आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको सारा दे दिया, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो 2000 भी उसने पहले निकाले थे, पहले ऑलरेडी वो 2000 आपने उसकी कैपिटल में से वापस डिडक्ट कर देनी है। डेबिट किसे करेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, मतलब 31 मार्च को जितना भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और क्योंकि 2000 वो पहले ले चुका है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा।
इन दोनों एंट्रीज को ध्यान से देखो, 31st मार्च को ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी क्लोज्ड। बच्चों ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर मैंने पहले ही कहा था कि बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, फिर रिपीट कर रहा हूं। टोटल तीन डिफरेंस मैंने बताई। फर्स्ट डिफरेंस मीनिंग दिस इज विड्रॉल बाय अ पार्टनर आउट ऑफ हिज कैपिटल, दिस इज विड्रॉल बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। सेकंड मेन डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस, इन दिस केस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, बट इन दिस केस ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड, सबसे मेन डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या बनेगा, व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस इज, ये जो ड्रॉइंग्स करी उसने, दिस इज कंसिडर्ड, मैंने कंसिडर किया था, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस इज नॉट कंसिडर्ड। जैसे अभी बी के केस में क्या था, 80,000 10%, मैंने पूरा 8,000 दे दिया, इसको नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि यहां पे हमने कैपिटल को डिस्टर्ब ही नहीं किया। और एक फोर्थ डिफरेंस हो रहा है बच्चों, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है 8% पर एनम, ड्रॉइंग्स पे क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट 8% पर एनम, तो बच्चों आपको क्या लगता है किस पे चार्ज करेंगे, इसके ऊपर चार्ज करेंगे या इसके ऊपर चार्ज करेंगे। दो तरह के ड्रॉइंग्स आपके सामने है, वैसे तो ये क्लियर होना चाहिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने के बाद। बच्चों ऑब्वियस है, क्लियर दिख रहा है कि इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो केवल इस पे चार्ज करेंगे, यहां पे तो हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन ही नहीं किया, डेबिट ही नहीं किया, यहां पे चार्ज करेंगे केवल यहां पे, क्योंकि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे 31st मार्च को मिल रहा, उसने वो पहले ही विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना था 31st मार्च को, अगले ने 1st जुलाई को ही निकाल लिए। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं, दैट इज चार्ज्ड ओनली एंड ओनली ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और लास्ट एक बात और ध्यान रखना कि नॉर्मली हम ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही ट्रीट करते हैं इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आपने तब ट्रीट करना है अगर क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, अदरवाइज ठीक है। बच्चों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में आया था एक बार, इसी टॉपिक के ऊपर था, जो दो कंसेप्ट बच्चों मैंने आपको बताई है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक बार इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था और एक बार इस कंसेप्ट के ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पूरा क्वेश्चन कि बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। क्वेश्चन बच्चों मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको ध्यान से आपने समझना है, स्टेटमेंट का एक एक वर्ड ध्यान से देखना है, वर्ड बाय वर्ड उसको रीड करेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। एल एम एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। बच्चों मैं रीड कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है, साथ साथ आप देखते रहना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। ऑन 1st अप्रैल 2016 देयर कैपिटल्स वर रुपीज 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल लिखी हुई है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1st अप्रैल 2016, 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। आगे बच्चों लिखा है ऑन 1st जुलाई, नहीं बच्चों एक बात और लिखे पहले, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में दो बातों का जिक्र है, नंबर वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 9% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 9% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो चार्ज करना है वो है 12% पर एनम, 12% पर एनम। आगे लिखा है ऑन 1st जुलाई 2016 एल ब्रोट रुपीज 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। एल ने एडिशनल कैपिटल लगाई है
और कितनी 1 lakh, कब लगाई है? 1st जुलाई को. एंड एन विड्रू, बच्चों ये सेंटेंस इसकी वर्डिंग ध्यान से देखो, एन विड्रू रुपीज 1 lakh फ्रॉम हिज कैपिटल, क्लियर लिखा है फ्रॉम हिज कैपिटल. एन ने 1 lakh विड्रू की है फ्रॉम हिज कैपिटल, क्लियर. दिस इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, क्लियर मेंशन. आगे चलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, ड्यूरिंग द ईयर एल एम एंड एन विड्रू रुपीज 12,000, 18,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज. एल एम और एन ने 12 निकाले, इसने 18 निकाले, इसने 24 निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर फॉर देयर पर्सनल यूज. यहां साइलेंट है, और अगर साइलेंट है तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. ओके, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों बातें आ गई. आगे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, दैट इज 85,000. करना क्या है? प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स. ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, समझो, देन वी स्टार्ट. बच्चों करें स्टार्ट, बी अटेंटिव. सबसे पहले मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017. बच्चों मैंने कल भी कहा था कि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैं थोड़ा रफली कर रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा, क्योंकि मेरा फोकस है कंसेप्ट समझाने पे. प्रेजेंटेशन आप जानते हो तो बढ़िया तरीके से आपने प्रेजेंटेशन अपनी रखनी है. पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना है? 85,000. सबसे पहला स्टेप यही है, ऑलरेडी बच्चों डिस्कस कर चुके हैं विद लॉजिक, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा. सेकंड, पार्टनरशिप डीड में दो बातों का जिक्र है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड. लॉजिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं विद जर्नल एंट्री, आज मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा. अब कैलकुलेट कैसे करना ध्यान से देखो बच्चों, पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एक बार कैपिटल अकाउंट्स पे भी नजर डालते हैं. कैपिटल अकाउंट्स में 1st अप्रैल 2016 सबसे पहले मैंने क्या लिखा? ओपनिंग बैलेंस 2 lakh, 3 lakh एंड 4 lakh. अब कहानी स्टार्ट होती है. 1st जुलाई को क्या हुआ? लिखा है एल इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल रुपीज 1 lakh. ठीक है बच्चों, तो ट्रीटमेंट कहां करेंगे? कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड. मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा. अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, पोस्टिंग मैंने कर दी, क्वाइट इजी. अगला सेंटेंस क्या है? एन विड्रू रुपीज 1 lakh फ्रॉम हिज कैपिटल, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कैपिटल में से निकाले हैं. तो आपने समझ जाना है दिस इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. जर्नल एंट्री सोचिए क्या होगी, देन वी विल मेक पोस्टिंग. कैपिटल में से निकाले हैं, क्या करेंगे? किसने निकालने? एन ने. एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसकी कैपिटल रिड्यूस कर दो. देखो मैंने पोस्टिंग कर रखी है टू बैंक अकाउंट, एंड हाउ मच? 1 lakh. ठीक है बच्चों, आगे लिखा ड्यूरिंग द ईयर एल एम एंड एन विड्रू दिस दिस एंड दिस फॉर देयर पर्सनल यूज. यहां साइलेंट है, तो मैंने कहा था दिस इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. और जब उन्होंने ये पैसा विड्रॉ किया होगा उस वक्त हमने जर्नल एंट्री क्या करी होगी? अभी मैंने आपको बताई है, उस वक्त हमने कैपिटल अकाउंट को नहीं डेबिट किया होगा, हमने डेबिट किसे किया होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट. यहां पे जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? एल्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एम्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एम्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. और जितनी भी ड्रॉइंग्स है 31st मार्च को कहां ट्रांसफर हो जाएगी? कैपिटल अकाउंट में. ठीक है बच्चों, अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखो. एल की कैपिटल कितनी थी? 2 lakh. एल की जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल थी 2 lakh, तो 2 lakh पे 9%, 2 lakh पे 9% पूरे साल का कितना हो गया? 18,000. फिर सोच रहा है कि उसने 1 lakh और लगा रखी है एडिशनल, और ये कब लगाई है? 1st जुलाई. तो इसके ऊपर भी कैलकुलेट करना है.
तो 1 लाख पर 9 मंथ्स, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, रेट क्या है 9% पर एनम। 1 लाख 9% पर एनम 9 मंथ्स, ये कैलकुलेट अगर करें तो ये बनेगा 6750 और टोटल हो गया 24750। दिस इज इंटरेस्ट ऑन एल्स कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है एम की। एम में कोई दिक्कत नहीं है, एम की कैपिटल कितनी थी 3 लाख इनिशियल, ये रहा। इसने ना एडिशनल कैपिटल लगाई है ना इसने कोई कैपिटल विड्रू की है, तो 3 लाख पे 9% कितना हो गया 27000, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एन में थोड़ा अलर्ट रहना, एन की कैपिटल कितनी थी इनिशियल 4 लाख, लेकिन 1 जुलाई को इसने विड्रो कर लिया, ये रहा देखो, और विड्रो करते ही उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। अब 4 लाख पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा केवल 3 महीने का, अप्रैल मई और जून, तो 4 लाख पे 9% 3 मंथ्स, कैलकुलेट करें तो ये बनता है 9000। 1 जुलाई को क्या हुआ, उसने 1 लाख विड्रो कर लिए, विड्रो करते ही कैपिटल कम हो जाएगी। अब कैपिटल उसकी कितनी रह गई 3 लाख, तो 3 लाख पे 9% और 9 मंथ्स का, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, तो 3 लाख 9% 9 मंथ्स, कैलकुलेट अगर करें तो दैट कम्स टू रुपीज 20,250 और ये टोटल हो गया 29,250। ठीक है बच्चों, मैंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने कैलकुलेट करना है और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो उसको आपने माइंड में रखना है। दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, किस रेट से चार्ज करना है 12% पर एनम। अब एन ने जो विड्रॉ किया था ये थी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इस पे नहीं चार्ज करना, मैं पहले ही कह चुका हूं इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली एंड ओनली ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 31 मार्च को मिलना था पार्टनर उसको पहले ही विड्रॉ कर रहा है तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, इस पे नहीं चार्ज करना। चार्ज किस पे करना है, इस पे 12,000 18,000 एंड 24,000। दूसरी बात बच्चों मैंने आपको पहले कही थी कि यहां पे लिखा ड्यूरिंग द ईयर, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट मेंशन, तो ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स ऑन एन एवरेज बेसिस, आपने इसका नोट भी देना है। तो 12,000 पे 12% 6 मंथ्स, कैलकुलेट करके बनता है 720, 18,000 12% 6 मंथ्स, दिस सिमिलरली 24,000 12% पर एनम 6 मंथ्स, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कि 6 मंथ्स का ऑन एंड एवरेज बेसिस, बिकॉज डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन। टोटल हो गया ये बच्चों, आगे तो हो ही जाएगा। क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है, ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एंड इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:3:5, 2/10, 3/10 एंड 5/10। बच्चों बात करते हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में लगभग बातें तो हो ही गई अपनी। सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस लिखना है, नो प्रॉब्लम। एल ने एडिशनल कैपिटल लगाई है, पोस्टिंग आप कर दोगे। एन ने कैपिटल विड्रॉ की है, पोस्टिंग हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। आगे पार्टनर्स को क्या क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं। ये बात ऑलरेडी हो चुकी है कि जब हम पार्टनर को कुछ देते हैं तो उसकी कैपिटल भी मर्ज कर देते हैं, इससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल जब बढ़ती है तो वी नो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस दिस एंड दिस, एंड बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिस दिस एंड दिस। ये बातें बच्चों ऑलरेडी हो चुकी है डिस्कस विद लॉजिक विद जर्नल एंट्रीज। जिन आइटम से कैपिटल बढ़ती है वो मैंने इधर लिखी है, और जिन आइटम से कैपिटल रिड्यूस होगी कब होगी वो कहां पर आएगी, डेबिट साइड। अब बच्चों देखो इन्होंने ड्रॉइंग्स करी थी 12,000, 18,000, 24,000 ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट,
और उस वक्त हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन किया हुआ, आज 31 मार्च है, आज हम उस ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज। अभी मैंने बताया था आपको क्लोज कैसे होएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये देखो, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने उनको दे दिया पूरा, जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था दे दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया, तो जो उन्होंने पहले निकाला था उसको हम डिडक्ट कर देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट इज क्लोज। ऐसी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है पार्टनर से, कैश में नहीं लेना, उनकी कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे। आगे बच्चों बैलेंसिंग आप अपने आप निकाल सकते हो, क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है टू बैलेंस सीडी, ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ये बैलेंस आप निकालते रहना। देखो बच्चों सोचो, कंसेप्ट कुछ क्लियर हुई या नहीं हुई, मैं ब्रेक ले रहा हूं 5-10 सेकंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बच्चों आज ये क्वेश्चन आपने कॉपी पे जरूर करना है, अगर ये क्वेश्चन आपने कॉपी पे कर लिया या आपको समझ आ गया तो ये कंसेप्ट आपकी पक्की, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कभी आपको इस कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, बेटा कुल मिला के 4 डिफरेंस मैंने बताई है, एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, पहला डिफरेंस है मीनिंग का। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है विड्रॉल बाय अ पार्टनर आउट ऑफ हिज कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है विड्रॉल बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड डिफरेंस के डेबिट किसे करेंगे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इस केस में क्या होएगा, कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इस केस में क्या होएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो कंसीडर होएगी व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने किया है, लेकिन जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, दिस दिस एंड दिस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त इसको आपने कंसीडर नहीं करना। और सबसे लास्ट डिफरेंस है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम चार्ज करते हैं वो किस पर चार्ज होएगा, केवल ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्रॉइंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों कल कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरीज अपनी भेजी थी, 5 मिनट से आपसे एक दो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। एक तो एक बच्चे ने पूछा था कि जो करंट अकाउंट मैंने आपको सिखाए थे, जिस दिन मैंने आपको करंट अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, किसमें होता है ये फिक्स कैपिटल मेथड, वहां पे हर पार्टनर के लिए 2 अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग। जब बच्चों आप करंट अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि ओपनिंग बैलेंस हम कैसे लिखे, डेबिट में लिखे या क्रेडिट में। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। ऐसा भी होता है कई बार कि क्वेश्चन साइलेंट है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बट ये नहीं बताया कि करंट अकाउंट का ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है। तो बच्चों अजम्पशन हमने वो लेनी होती है जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आपको क्या लग रहा है करंट अकाउंट का बैलेंस नॉर्मली कौन सा पाएगा, क्रेडिट। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो नॉर्मली आपने उसको क्या ट्रीट करना है, क्रेडिट बैलेंस। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रोक डाउन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। एक और क्वेरी बच्चे की आई थी, बच्चों एक डिफरेंस मैंने आपको करवाया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। टोटल 4 डिफरेंस मैंने करवाए थे, सबसे लास्ट डिफरेंस मैंने करवाया था बैलेंस के बारे में। बैलेंस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, और बैलेंस किसका, कैपिटल अकाउंट। बच्चों इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। सोच के देखो, क्योंकि जितनी कैपिटल उसने लगा रखी है बिजनेस में उससे ज्यादा तो विड्रॉ कर ही नहीं सकता,
In case of fixed capital method, capital account will always show credit balance, always. But in fluctuating capital method, capital account may show credit balance as well as debit balance. Fluctuating capital method में तो capital account कोई भी balance show कर सकता है. कई बार क्या होता है, इस method में capital account का debit balance भी आ जाता है. तो बच्चा पूछ रहा था, ये कैसे आ गया? मैंने पहले भी कहा था, due to heavy losses. फिर बच्चे का क्वेश्चन था कि जिसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे. क्वेश्चन जायज है, एक्सप्लेन कर रहा हूं. बच्चों मान लीजिए आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, आपने कैपिटल लगा रखी है 1 लाख. पिछले 2-3 साल से फर्म घाटे में चल रही है, हर साल लॉस हो रहा है, लॉस. और आप उस लॉस को बियर कर रही है, पार्टनर्स बियर करेंगे. और जब हम लॉस को बियर करते हैं तो उससे कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस. तो आपने जो 1 लाख की कैपिटल लगाई थी, लॉस बियर करते करते हर साल वो कैपिटल कम हो रही है और कम होते होते वो नेगेटिव में चली गई. नेगेटिव का मतलब है डेबिट बैलेंस. तो इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट मे शो क्रेडिट बैलेंस एज वेल एज डेबिट बैलेंस. ठीक है बच्चों, आगे जब आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तो उसमें ना बैलेंस शीट गिवन होगी. हो सकता है कि 3 पार्टनर है, ए बी और सी. ए की कैपिटल लाइबिलिटी में लिखी है, बी की कैपिटल लाइबिलिटी में लिखी है, लेकिन हो सकता है कि सी की कैपिटल यहां पे लिखी हो एसेट में. सी कैपिटल 50,000, दिस इज पॉसिबल. आपने हैरान नहीं होना कि ये कैसे हो गया, कैपिटल तो हमेशा लाइबिलिटी में दिखाते हैं, ये एसेट में कैसे जा रही है? आ सकती है. इसका मतलब है इसकी कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. मतलब फर्म ने 50,000 लेने हैं इससे. अगर ये सी आज फर्म छोड़ के जाता है, रिटायर हो जाता है, क्विट करता है, तो फर्म उससे 50,000 मांगेगी. ये उसकी कैपिटल की डेफिशिएंसी को शो कर रहा है. ठीक है बच्चों, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ सकता है. जैसे जैसे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, पार्टनरशिप में अगले चैप्टर्स करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सारी बातें आपको क्लियर होगी. थैंक यू वेरी मच.